यूपी के कन्नौज में मित्र पुलिस की लापरवाही से मासूम व्यक्ति का मौत का कारण बना। मामला टटिया थाना इलाके के घने परवा का है। यहां रहने वाले 21 वर्षीय मृतक रिंकू को बीती 4 मार्च को रात 9 बजे गरीब गांव के डंपी अनिल, दीपक व टीटू नामक युवक अपने साथ ले गए थे। उसके बाद से रिंकू घर नहीं लौटा। पीड़ित के परिजनों ने थाने में रिंकू की अपहरण की शंका जाहिर कर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। पुलिस ने मृतक के परिजनों पर ही कार्रवाई कर जेल पहुंचा दिया। 12 दिन गुजर जाने के बाद ग्रामीणों ने गांव से करीब 3 किलोमीटर एक खेत में शव होने की सूचना दी। शव की शिनाख्त रिंकू के रूप में हुई। परिजन ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही से रिंकू की हत्या कर दी गई। ये थाना टटिया का है, गनेपुरवा गांव पड़ता है। इसमें 4-3 को एक रिंकू नाम का युवक घर से निकला था, फिर उसके बाद घर लौट के नहीं आया। परिवार वालों ने गांव के 4-5 लोगों का नाम लिया है कि इन लोगों ने अपने बेटे को अपहरण कर लिया हो। पुलिस ने उन लोगों को बुलाया, पूछताछ किया, कोई सबूत ना पाने पर उनको फिर छोड़ दिया। उसी समय पे 5 तारीख को कोई लड़का लड़की लेके भाग गया था। 363-364 का केस लिखा हुआ था और लोगों ने बताया कि हो सकता है ये उनका दोस्त हो, साथ में चला गया हो, ये भी था। तो इसी कड़ी में लगातार पूछताछ करते रहे, कोई कई ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से उनको किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। और इसमें कल जो है दोपहर में एक सूचना आई है कि एक युवक की लाश गांव से 3 किलोमीटर दूरी पे खेत में दबा हुआ मिला है। सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची है और फील्ड यूनिट की टीम को भी साथ में लेगी सबूत इकट्ठा करने के लिए। वहां पे पूरा खुदाई हुई, उसमें एक बॉडी युवक की मिली है जो रिंकू सनफ राम प्रकाश के रूप में पहचाना गया है। परिवार वालों ने ये आरोप लगाया कि यही गांव के ही 4-5 लोग हैं, इनके साथ इन्हें मार के गाड़ दिया, जबकि किसी ने चश्मदीद गवाह देखा नहीं है। मगर इसमें उन लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ करने जो भी संदिग्ध लोग हैं, और टेक्निकली भी हम लोग कर रहे हैं। जहां तक मुकदमा है, ये गुमशुदगी पहले लिखा हुआ था, उसके बाद कोई FIR नहीं लिखी गई थी, तो मेडिसिनल SP को ये जांच सौंप दिया है कि थाने की तरफ से जो भी लापरवाही हुई उसको रिपोर्ट, फैक्चुअल रिपोर्ट देने के लिए, और रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई होगी। जहां तक हत्या की बात है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट वेटिंग है, अवेटेड है, तो पोस्टमार्टम देख के फिर उस आधार पर कार्रवाई होगी। 302 का मुकदमा ऑलरेडी कल ही लिखा दिया गया है, क्योंकि कहीं दफनाया गया तो हत्या का ही आशंका है। पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा कब मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं, तो इसमें जो सबूत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये जांच के विषय हमारे अभी तक पता नहीं है, बट हो सकता है किया हो। ये इसलिए एडिशनल SP को मेरे द्वारा जांच सौंपा गया है, और रिपोर्ट आने के बाद फैक्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कह रहे थे कि आप तुमको भेजेंगे सिकावन में, चला था इनके ऊपर ब्याजी लगवा देंगे। क्यों? कि सारे पूरा ढूंढे, हमके कुछ जिम्मेदारी है किसी की। आपने बोला था कि मेरा भाई गायब हो गया। हाँ, हम रात में 9 बजे गए थे हम रिपोर्ट लिखाने परम सिंह के लड़के के नाम पर। फिर बोले कल सुबह आना, सवेरे गए तो कोई सुनवाई नहीं की। कौन थाना था? टटिया थाना। और दो भतीजे मेरे 51 वैद्य थे, वो 15 साल के। उल्टा ये तो आप लोग भेज दिया। हम लोग भेज रहे हैं। आपके भाई गायब हुआ, उसकी हत्या हुई, उल्टा भेज दिया। हम लोग भेज रहे हैं। मैं से अगर पुलिस मेरी कार्रवाई करती तो मेरा वांझा बच जाता, जिंदा जिंदा मिलता उनको। उसको पकड़ ला रहे, छेड़ दे रहे, उसको भी क्या 51 में भेज रहे हैं, उसकी जमानत करवा रहे, पकड़ ला रहे, छेड़ रहे उसको। 4 तारीख को शनिचर को 9 बजे रात में लड़का दो बुलाए लेगा घर से। क्या नाम था उनका? उनका दीपक डंपी। और जब सुबह हम गए तो साहब से, तो वे ताला देने लगे, कैसे ढूंढिए, 2-4 दिन ढूंढ लो फिर कार्रवाई करेंगे। 12 दिन हो गए साहब, आज कल हम गए सगत दिन सुबह से बैठे रहे, होली मनाने आए को पुलिस लाइन तो ये नहीं साहब बैठे। सुबह इनने दरोगा जी ने के सुबह आना, ये तो साहब बैठेंगे। सुबह हम पहुँचे
और ये साहब टाले देते रहे कि अबे ब्याथी लग जाएगी ज्यादा, तुम दौड़ोगे सुनिए। तो पुलिस ने उल्टा धमकी दी। हाँ, क्या किया? ये तो साहब क्या क्या ब्याथी लगवाते हैं कि अभी तुम्हारे ऊपर। अभी हम पुलिस का कैसा रवैया रहा? पुलिस का साहब सुनवाई नहीं कितनी करी हमारी। क्या क्या कहा? क्या वो जो दरोगा जी थे उनको हम सार में लेके गए, जो जादू लगी थोड़ी तो मन जो मुंजिम थे जो लड़का बुलाई लेके उनके घर पर थे रिश्तेदार, वो रात में गायब हुए तो वो मौका पर उन मिले हिंद है तो साहब दरोगा कैरत के रातेदारी गए, ये लोग बता रहे हैं भैंसी बेचने गए हैं बरात करने गए, और जो हम पुलिस लेके गए दरोगा जी का तब वो अंदर बैठे मिले सार में साहब, हमने कहा इनको लेके चलो, दरोगा जी ने छोड़ दिया, उनका नंबर अपना दे दिया कि बात करते रहना, और उन्होंने जब हम चले तब कई जो गांव का मुंजिम था उसके छाती ठोकी, पापा चिंता मत करना पैसा जो कुछ लगेगा हम लगाएंगे। वो उल्टा मेरे पे 282 जने कितना केस बताया, 182 वो उल्टा मेरे लोगों पे लगाने के लिए कह रहे थे। मतलब जब से मतलब 4 तारीख से आज तक टाला ही रहे थे, मतलब कल गए तो ये साहब के होली मनाने के बैठे नहीं, पुलिस ने भाई पैसे खा लिए सर, पैसे खा लिए, इसीलिए मतलब 12 दिन से कोई सुनवाई नहीं करी। हमारा बहन जो है तब लेकर गए और उनका ना उनने जो उन्हें कह ना जिन्हें मारो और उन्हें कही देखो कि इन्हें पकड़ लो जो गाड़ी देते गाड़ी कुछ ना 15 साल पहले ला मारो। तो आप लोग पीढ़ी तो उल्टा ही बंद कर दिया? हाँ उल्टा ही बंद करके लल्ला, फिर देखो कात कात हारी गए और उन्हें मान लेकिन छोड़ो ना आए छुटन ना दो चालान कर दो और कहना उमा गए तिरवा माइया तिरवा में गए जमानती करवाई लल्ला तब छोड़ो।